हेलो फूडीज, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो सीजनल वेजिटेबल्स से बनेगी। जैसे ठंड आ गई है तो ठंड में हम मेथी का बहुत यूज़ करते हैं और मटर का यूज़ करते हैं, तो आज हम एक रिच ग्रेवी बनाएंगे मेथी मटर इसके मलाई लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है रफली 2 रफली चॉप्ड मैंने टमाटर लिए हैं, 15 से 20 काजू लिए हैं, एक प्याज ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं। ये आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन सर्दियों में ये डालें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैंने 2 कप मेथी ली है, इसको मैंने पत्तों को तोड़कर और बारीक काट लिया है। आधा कप मटर, ये मैंने फ्रोजन मटर ली है, आप चाहें तो फ्रेश मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। लिए एक तेज पत्ता, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये ऑप्शन ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हम एक पैन में थोड़ा पानी ले लेंगे, उसमें हम ये अपनी चॉप्ड मेथी को डाल देंगे और इसके साथ ही हम अपने आधा कप जो मटर है वो डाल देंगे। और दूसरे पैन में हम पानी डालेंगे और इसमें हम जो ये हमारे प्याज लहसुन और टमाटर थे इनको हम बॉईल करेंगे। इनको हमें सॉफ्ट होने तक बॉईल करना है जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और काजू हमारे थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। इन्हें हम तेज आंच पर बॉईल कर लेंगे। मेथी को बॉईल कर लेने से इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। हमें प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक बॉईल करना है। इससे जो प्याज का तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाता है और हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसमें। फिर हमारी मेथी और मटर ये दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे एक छलनी में छान लेंगे। थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे टमाटर और प्याज को, वैसे सॉफ्ट हो गए हैं काजू भी, लेकिन थोड़ा सा और हम इसे बॉईल करेंगे, फिर हम इसे निकाल कर ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। हमारे प्याज और टमाटर भी हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर इसका पेस्ट बना लेंगे। एक कढ़ाई में हम सिर्फ 1 चम्मच ही तेल डालेंगे। इसमें जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता, जीरा पकने के बाद हमने जो अपनी ये प्यूरी बनाई थी हम इसे डाल देंगे। और हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे।
वैसे हमें इसे पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमारे प्याज और टमाटर सारी चीज़ें पहले से पकी हुई हैं। ये हमारा जल्दी पक के तैयार हो जाएगा, जल्दी ही तेल छोड़ने लगेगी। ये हमारा मसाला वैसे तो आधा पका हुआ है, इसीलिए हम इसी के साथ में आधा चम्मच ही हल्दी डालेंगे। हम ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे वरना हमारी ग्रेवी येलो दिखने लगेगी। एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हम लाल मिर्च एक चम्मच इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने किसी भी तरह के तीखेपन का यूज़ नहीं किया है। इसके साथ ही हम एक चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारा ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है, हमारा मसाला पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना मेथी और मटर जो हमने बॉईल करके रख लिया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये भी पका हुआ है, इसे हमें भी थोड़ा देर ही पकाना है। थोड़ा सा हमें इसमें पानी डालकर और इसे थोड़ा पकने देंगे। हमारा मेथी और मटर अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स हो चुका है। अब आती है बारी मेन इंग्रेडिएंट की, जो है हमारी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए लग रही है ना हमारी मेथी मटर मलाई अच्छी क्रीमी। अब इसे बस हम थोड़ी देर धीमी आंच पर पकने देंगे। हमारा मेथी मटर मलाई सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये लीजिए मेथी मटर मलाई, इसे आप पराठों के साथ, फुलकों के साथ, नान के साथ एंजॉय करिए। बाय बाय।